राजस्थान से कोरोना अपडेट। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए, जिसमें जयपुर के 5, उदयपुर के 4, टोंक और जैसलमेर के 1-1 मामले शामिल हैं। राज्य में 33 जिलों में से 29 जिले मंगलवार को कोरोना वायरस मुक्त पाए गए। वहीं संक्रमण से राज्य में अब तक 8,954 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 32 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। अब राज्य में 220 मरीज उपचाराधीन हैं। राजस्थान से कोरोना अपडेट। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए, जिसमें जयपुर के 5, उदयपुर के 4, टोंक और जैसलमेर के 1-1 मामले शामिल हैं। राज्य में 33 जिलों में से 29 जिले मंगलवार को कोरोना वायरस मुक्त पाए गए। वहीं संक्रमण से राज्य में अब तक 8,954 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 32 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। अब राज्य में 220 मरीज उपचाराधीन हैं। राजस्थान से कोरोना अपडेट। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए, जिसमें जयपुर के 5, उदयपुर के 4, टोंक और जैसलमेर के 1-1 मामले शामिल हैं। राज्य में 33 जिलों में से 29 जिले मंगलवार को कोरोना वायरस मुक्त पाए गए। वहीं संक्रमण से राज्य में अब तक 8,954 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 32 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। अब राज्य में 220 मरीज उपचाराधीन हैं। राजस्थान से कोरोना अपडेट। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए, जिसमें जयपुर के 5, उदयपुर के 4, टोंक और जैसलमेर के 1-1 मामले शामिल हैं। राज्य में 33 जिलों में से 29 जिले मंगलवार को कोरोना वायरस मुक्त पाए गए। वहीं संक्रमण से राज्य में अब तक 8,954 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 32 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। अब राज्य में 220 मरीज उपचाराधीन हैं। राजस्थान से कोरोना अपडेट। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए, जिसमें जयपुर के 5, उदयपुर के 4, टोंक और जैसलमेर के 1-1 मामले शामिल हैं। राज्य में 33 जिलों में से 29 जिले मंगलवार को कोरोना वायरस मुक्त पाए गए। वहीं संक्रमण से राज्य में अब तक 8,954 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 32 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। अब राज्य में 220 मरीज उपचाराधीन हैं। राजस्थान से कोरोना अपडेट। प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए, जिसमें जयपुर के 5, उदयपुर के 4, टोंक और जैसलमेर के 1-1 मामले शामिल हैं। राज्य में 33 जिलों में से 29 जिले मंगलवार को कोरोना वायरस मुक्त पाए गए। वहीं संक्रमण से राज्य में अब तक 8,954 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 32 लोग संक्रमण से मुक्त हुए। अब राज्य में 220 मरीज उपचाराधीन हैं।